ये देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पर रानीबाग में स्टे करने के बाद हम अर्ली मॉर्निंग नीम करोली बाबा मंदिर के लिए चल दिए हैं और यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं जोलीकोट से सुबह 5:30 बजे सूर्य देवता अपना रोशनी बिखेरते हुए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ नीम करोली बाबा मंदिर और अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं। हम लोग यहाँ मंदिर में पहुँचे हैं और मंदिर में आप देखिए कितनी लाइन लगी हुई है। चलो पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको फिर थोड़ा सा दिखाएंगे। अभी तो कम ही भीड़ है क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो लोगों की भीड़ आती जाएगी। आजकल आपको पता है कि यहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ जा रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। तो वहाँ मंदिर में तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। नीम करोली बाबा मंदिर का गेट यहीं से शुरू हो जाता है और सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं और भक्तों का आप देख पा रहे होंगे वहां पर लाइन लग चुकी है। 200 लोग लाइन पर पहले से लग चुके हैं, तो चलिए हम भी लाइन में लगते हैं। कहते हैं यहां पर आपको लाइन में लगने से ही बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। बाबा नीम करोली चमत्कारी बाबा थे, उनके जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं तो उनको बाबा अपना आशीर्वाद। इन दिनों बाबा नीम करोली में बहुत ही भीड़ उमड़ जाती है क्योंकि हर कोई बाबा का आशीर्वाद यहाँ से लेना चाहता है। बाबा को चमत्कारी बाबा बताया जाता है और बाबा के जितने भी भक्त हैं यहाँ पर जो भी आता है पर बाबा की अनंत कृपा होती है। कैंची धाम और आप देख रहे हैं दोस्तों पीछे पूरा घना जंगल और बीच में ऐसी अद्भुत कृपा है यहाँ पर बाबा जी की। बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, जब भी हम यहाँ आते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है ये मंदिर। प्रस्थान करते हैं, अपने गांव जा रहे हैं आज। जैसे ही दिन बढ़ेगा तो भीड़ बढ़ती जाएगी, इसलिए हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। इसी असवाल ब्लॉग को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। इसी ब्लॉग में मैं गांव का भी आपको वीडियो दिखाऊंगी। तो चलते हैं, अभी चाय पानी भी पी लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर नींबू आप देख पा रहे होंगे भवाली में, बिल्कुल ये जो कैंची धाम है यहाँ पर कैंची धाम में बिल्कुल ताजे ताजे नींबू आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आजकल यहाँ पर बहुत ही भीड़ है, इसलिए कार पार्किंग के लिए इन्होंने अलग से ग्राउंड बनाए हैं। पार्किंग की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पार्किंग है यहाँ पर,
लेकिन पेड पार्किंग है। तो चलिए यहाँ से अब हम अल्मोड़ा की तरफ प्रस्थान करते हैं, क्योंकि मुझे अपने घर बागेश्वर जाना है, तो अल्मोड़ा से होते हुए ही जाएंगे और सुंदर पहाड़ी एरिया आपको एक्सप्लोर करते हुए दिखाते हुए चल। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों, इसी रोड पे काकड़ी घाट मंदिर पड़ता है, जहां पर नीम करोली बाबा ने बहुत ध्यान किया था, तपस्या की थी, और स्वामी विवेकानंद जी ने भी वहां पर तपस्या की थी, कई दिनों तक वहां तपस्या की थी। तो आज वो जगह भी काफी फेमस है और अध्यात्म से जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छी है, इसी रोड पर है। कभी आप भी नीम करौली धाम आए तो काकड़ी घाट को भी जरूर दर्शन कर जाइएगा। और हम लोग तो आज अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम दर्शन नहीं कर पाएंगे अभी। तो लीजिए दोस्तों, बातों बातों में हम पहुंच गए हैं सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा से मेरी काफी यादें जुड़ी हैं। जब मैं यहाँ पर कॉलेज पढ़ती थी तो अल्मोड़ा कुछ और हुआ करता था। उस टाइम में हम लोग सारा अल्मोड़ा पैदल ही जाया करते थे, कॉलेज पैदल ही, स्टेडियम, हर जगह हम लोग पैदल जाया करते थे। आज यहाँ पर देख पा रही हूँ काफी गाड़ियां हैं, काफी आपके टू व्हीलर्स चल गए हैं, तो भीड़ भाड़ भी उतनी ही होती जा रही है। अभी तो सुबह का टाइम है तो हम लोग जल्दी अल्मोड़ा पहुंच गए हैं, और अल्मोड़ा देखकर मुझे जो खुशी हो रही है ना, और मेरे कॉलेज टाइम की यादें फिर से ताजा हो गई है। वो दिन फिर से याद आ रहे हैं कि काश आज भी वो दिन होता जहां जब हम कॉलेज जाते थे दोस्तों के साथ। ये रोड मॉल रोड तो पूरा भर जाता था पैदल चलने वालों का। अब हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर पार्किंग, पार्किंग भी बहुत मुश्किल से मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ मिठाइयां भी लेनी है और मंदिरों में चढ़ाने के लिए कुछ घंटियां भी लेनी है, क्योंकि ये पीतल नगरी, ताम्र नगरी अल्मोड़ा है, यहाँ पर बहुत अच्छे दामों में मिल जाती है। थोड़ा मिठाई लेंगे दोस्तों, हम आपको आप दिखा रहे हैं बाल मिठाई अल्मोड़े की। ये यहाँ का फेवरेट मिठाई होती है, आप देख रहे हैं बाल मिठाई, और ये कर रहे हैं हम बाल मिठाइयाँ सारे डब्बे पैक अंकल जी। और कांटबाल स्वीट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अल्मोड़ा में मॉल रोड में है ये। और यहाँ पर मिठाइयाँ देखें आप, ये है यहाँ की सबसे मोस्ट फेवरेट मिठाई, सॉफ्ट भी है, कितनी सॉफ्ट है। हाँ, मिठाइयाँ लेने के बाद अब हम निकल पड़े हैं कसार देवी की तरफ। कसार देवी भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पहले से ही अंग्रेज अपने यहाँ पर घर बनाकर रहते थे। हम लोग जब कॉलेज टाइम की बात बताऊं तो उस टाइम में यहाँ पर अंग्रेजों को हमने कई बार पहाड़ी भी बोलते सुना है, कुमाऊनी बोलते हुए सुना है। और यहाँ पर एक सुप्रसिद्ध मंदिर भी है जो माता कसार देवी का मंदिर है। वहां पर भी माना जाता है कि जो भी ध्यान करने आता है तो वो अध्यात्म से जुड़ जाता है और यहीं का हो जाता है। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे, ये भी यहाँ पर बताया जाता है, उन्होंने भी इस मंदिर में ध्यान किया था और यहाँ पर कई दिनों तक वो रुके थे। तो गाइज, आप सामने देखिए माता कसार देवी मंदिर का गेट दिख रहा है, और यहीं से करीबन 500 मीटर की ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है, ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पैदल है। तो हम पहुंच गए हैं कसार देवी, अल्मोड़ा में पड़ता है जो, और यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल पहाड़ी, आप देखिए सामने बिल्कुल जंगल आपको दिख जाएगा, बहुत ही अल्टीमेट नज़ारे दिख रहे हैं ऊपर बादलों के भी, बट अभी हिमालय नहीं दिख रहा है यहाँ से, अदरवाइज यहाँ पर यहाँ से हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हैं, जो बर्फ से ढकी लबालब दिख जाती थी, आज नहीं दिख पा रही है क्योंकि जंगलों में आग भी लगी हुई है कहीं कहीं पर। और इसी रोड पे गाइस गैराड़ गोलू देवता मंदिर भी पड़ता है, जो मंदिर तक जाने के लिए आप देख पा रहे होंगे सुंदर सी पूरी जंगल ही जंगल दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, चीड़ के पेड़ भी दिख रहे हैं। और बीच में देखिये हम लोग अभी रोड में जा रहे हैं तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर होम स्टेज भी दिख रहे हैं। गाइस हम लोग फंस गए अपने गांव बुगाड़ी, तो गाइस फाइनली हम अपने गांव पहुंच गए हैं बुगाड़ी गांव, यहां पर छानी बोलते हैं। ये देखिए हम कैसे आ रहे हैं सामान में, यहां बिल्कुल देखो, यहां देखो, इधर देख तरबूजा भी दिखा, इधर लथा लथ भरा है, यहां देख लबा लब, ये तरबूजा देख कहां दिख रहा है ना, नीचे तरबूजा देखो, अरे तरबूजा है, यहां तरबूजा भी है, उधर देखो ओवर कैसा लग रहा है, हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखो। अच्छा ये देखो यहां पर ये पहाड़ी सीढ़ियां होती हैं ऊपर को, मानसी बता दे जरा कितनी सीढ़ियां हैं, ये लकड़ी की सीढ़ियां होती है ना, इसको दरड़ बोलते हैं, दरड़ कहते हैं। अच्छा ये जल्दी बाजी में जा सकते हो, हिंदू रीति रिवाज के। और एक मैडम यहाँ आई हुई है, और ये क्या है,
ये भटकी चुनकानी, भटकी चुनकानी उत्तराखंड का डिश है, पहला ये उत्तराखंड उत्तराखंडी डिश। आप देखिए रायता, ये है रायता, गांव का रायता। देखिए हम अभी अभी जस्ट पहुंचे और यहां पर मेरी बहन पहले से ही यहां रुद्रपुर से पहले ही से ही पधार चुकी है और खाना बना रही है, क्योंकि देखिए मेरी मम्मी पापा मेरे ओल्ड हैं, मम्मी पापा ओल्ड हैं तो कैसे खाना बनाएंगे। ये आगे सूर्य देवता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग मेरे गांव से हो रही है और सुबह के 5:30 बजे देखिए सूर्य देवता भी पधार चुके हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ अपने गांव का सुंदर सा। और हमारे आंगन से मिला हुआ खेत में आप देख पा रहे होंगे पूरे केले के यहाँ पर पेड़ दिख रहे हैं और यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं पूरा देवदार का जंगल। यहाँ पर आम का पेड़ देख रहे हो जो ये मैंने लगवाया था आज से 20 साल पहले की बात है। और ये देखिए अनार का पेड़ भी मैंने लगाया था यहाँ पर, इसमें अनार तो मम्मी लोग बोल रहे हैं कि सारे सड़ जाते हैं लेकिन ये छाया दे रहा है। यहाँ पर कई पक्षियों का घोंसला बना हुआ है। दूसरा मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए ये हमारा ग्वाड़ है जहां मेरा बॉर्न हुआ था, इसी में हुआ था। उस टाइम हमारे पास बड़ा घर नहीं था तो यहाँ पर मेरा बॉर्न हुआ है। मेरे पापा आर्मी से हैं तो उस टाइम पापा ने ये छोटा सा घर बनाया था। और यहाँ पर देखिए जो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, इस पे पूरा हिमालय, नंदा की चोटी, कैलाश मानसरोवर की चोटी सब दिख जाती थी। और अभी आप देखिए कि हाल ये है, जंगल में लगने के कारण धुएं से हिमालय। आगे भी आपको गांव से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने को मिलेंगी, तब तक के लिए बाय बाय।